हाय, वेलकम टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट। स्टूडेंट्स, बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक सूचना जारी की गई है जो दक्षता परीक्षा को लेकर है। आइए आपको हम बताते हैं कि सूचना में क्या लिखा हुआ है, शब्द से शब्द आपको हम बताएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि दिनांक 18/6 को आयोजित प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा यानी दक्षता परीक्षा 2023 के शेष बचे हुए शिक्षकों के लिए दिनांक 8/10 को द्वितीय दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गई थी। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में दो बार विस्तार करने के बावजूद अनुमानित आवेदकों की संख्या से अत्यंत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण तत्काल परीक्षा स्थगित की जाती है। तो इसमें आप ये समझ पा रहे होंगे कि 8 अक्टूबर को जो द्वितीय दक्षता परीक्षा होने वाली थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कारण भी स्पष्ट बताया गया है कि अभ्यर्थी कम है, अनुमानित अभ्यर्थी कम है। साथ ही आप आगे देखेंगे, आप लिखा हुआ है अर्हता धारक शेष आवेदकों को आवेदन करने का एक और अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु संशोधित परीक्षा तिथि सूचना शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। और बता रहे हैं कि जो संशोधित तिथि है वो जल्द ही उसकी सूचना प्रकाशित की जाएगी। और बता रहे हैं कि विस्तृत जानकारी के लिए जो आप बिहार सरकार की जो statebihar.gov.pr वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जितने भी शिक्षक या जो भी अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा से जुड़े हुए जिनकी 8 तारीख को थी, उनकी परीक्षा कैंसिल हो गई है और आगामी सूचना तक का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू बिहार रिजल्ट डॉट नेट।